दोस्तों हमारे देश में हर महीने ऑन एन एवरेज 15,000 नई कंपनियां बनती हैं, यानी कि पिछले 5-7 सालों में हमारे देश में 5,00,000 से ज्यादा नई कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हैं और इनमें से केवल 0.0002% कंपनियां ही यूनिकॉर्न बनी है, यानी कि 107 कंपनियां यूनिकॉर्न बन पाई जिनका मार्केट वैल्यूएशन 7500 से 8000 करोड़ के बीच में रहा। तो दोस्तों मैं हूं सुरेश वाधवा और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसे पॉइंट लेके आया हूं कि आपने एक नई कंपनी बनाई है तो ऐसी कौन कौन सी बहुत ही बेसिक खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिससे आपकी कंपनी भी एक यूनिकॉर्न बनने के रास्ते पे चल सकती है। और आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, ये 5 पॉइंट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और अनकन्वेंशनल पॉइंट है। मैं कोई बिजनेस कोच नहीं हूं, बिजनेस तो आप मेरे से हजारों गुना बेहतर करना जानते हैं। मैं केवल ऐसे 5 पॉइंट बता रहा हूं जिससे आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी श्योर बढ़ेगी, इसमें कभी भी लीडरशिप क्राइसिस नहीं आएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। दोस्तों क्या आपने अभी तक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट की बात सोची है? आपने एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, इस कंपनी को बनाए हुए 2 महीने, 4 महीने अथवा 1 महीना हो चुका है। आपने एक गूगल से कंसल्टेंट टाइप किया ऑनलाइन कंपनी इनकॉर्पोरेशन और झट से कंपनी आपके पास बन के आ गई। आपने नहीं सोचा इसका एक बहुत ही थोरो एग्जामिनेशन कि हम क्या करने वाले हैं, क्या प्रोसेस है। मुझे लगता है इस पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि नई कंपनी बनाते समय हम सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी की भी चिंता करते हैं। तो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट क्या है? जिस प्रकार हम पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं 2 पार्टनर्स के बीच में, इसी प्रकार से कंपनियों में शेयर होल्डर्स के बीच में एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट साइन किया जाता है। क्या आपने साइन किया है? क्या आपने सोचा है कि हमें इसे साइन कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, ताकि भविष्य में शेयर होल्डर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज इन एडिशन टू ऑल व्हाट एवर यू हैव रिसीव्ड, योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इट हैज नथिंग टू डू, इट्स ए वन स्टेप फर्दर जिसकी कोई बात ही नहीं करता। देखिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्या है, अगर आपने अपनी नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी स्पाउस के साथ मिलकर या अपने किसी ब्लड रिलेटिव के साथ मिलकर बनाई है, तो मैं आपको शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। लेकिन यदि आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने पार्टनर के साथ, अपने सबसे बेहतरीन दोस्त के साथ या किसी स्ट्रेंजर के साथ भी मिलकर बनाई है, तो आपको शेयर होल्डर अग्रीमेंट आज ही सोचना होगा, नहीं तो इसके बाद बहुत देर होती चली जाएगी और कंपनी ग्रो कर जाएगी और लीडरशिप क्राइसिस पैदा होते जाएंगे, आप अपनी बात सही समय पर रख ही नहीं पाएंगे। शेयर होल्डर एग्रीमेंट एक कंपनी को, मान लीजिए ए और बी ने बनाया और ये ए और बी दोनों एकदम स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे से, तो दोनों को एक एग्रीमेंट आपस में साइन करना चाहिए कि हमारे आपस में क्या संबंध होंगे, हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या रेसिप्रोकल राइट्स हैं। कल को अगर एक व्यक्ति को एट टाइम्स
इस कंपनी से एग्जिट करना पड़ गया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, किस रेट पे एक शेयर होल्डर इस कंपनी से एग्जिट करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को इस कंपनी में इंट्रोड्यूस करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप कितनी इक्विटी उस समय डाइल्यूट करेंगे। यदि दो शेयर होल्डर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उसे रिजोल्व कैसे किया जाएगा, एग्जिट प्राइस क्या होगा, किस फार्मूले के तहत कंपनी का वैल्यूएशन किया जाएगा एट द टाइम व्हेन एवर एनीवन वांट्स टू एग्जिट दिस कंपनी। तो ये कुछ बातें सुनने में बहुत ही चुभ सकती हैं आपको, लेकिन ये आपको आज ही तय करना होगा। इससे आपकी कंपनी में एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी आएगी, शेयर होल्डर्स के बीच में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, ड्यूटीज को लेकर, और एक क्लैरिटी आएगी कि साहब जब एक व्यक्ति इस कंपनी से एग्जिट करेगा तो उसका फॉर्मूला आज से ही तय हो जाए। तो इस एग्रीमेंट को आपको थोरली, एक्सटेंसिवली, ओवर द टेबल डिस्कस करना होगा अपने सभी शेयर होल्डर से। तो ये हुआ शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं वेरी फ्यू बेसिक कंप्लाइंसेस की। देखिए, आप अपने डोमेन में आप वन ऑफ द बेस्ट ल्यूमिनरी हो सकते हैं, लेकिन आपका काम अपना बिजनेस करना है। इस बिजनेस की कंप्लाइंस को आपका ध्यान, आपको अपनी बिजनेस की कंप्लाइंस का ध्यान रखना है, क्या ये सही समय पे पूरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दो तीन बहुत बेसिक कंप्लाइंस हैं जिसे मैं समझता हूं कि नंबर एक, क्या आपने अपनी कंपनी बनाने के बाद इसमें अपना एक ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, क्या आपने अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें शेयर कैपिटल जमा करा दी है, क्या इसकी इंटीमेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म नंबर 20A पर फाइल कर दी है। एक कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते अब आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हर साल कम से कम एक बार आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और एक आपके ईमेल एड्रेस पे OTP आएगा, जिससे आप हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताएंगे कि हाँ, आप इस कंपनी में अभी भी डायरेक्टर बने हुए हैं और अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाए रखना चाहते हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी कंप्लायंस है जिसमें मैं समझता हूं एक मिनट से कम का समय लगता है, लेकिन अगर आप इसे पूरा नहीं करेंगे तो हर साल 30 सितंबर के बाद आपका जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसे ब्लॉक कर दिया जाता है, और जिसको फिर दोबारा से एक्टिवेट कराने के लिए आपसे ₹5,000 वसूले जाते हैं गवर्नमेंट फीस के नाम पर। तो इन बहुत ही बेयर मिनिमम बेसिक कंप्लायंस ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको अपने माइंड में रखनी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको हर साल कम से कम दो रिटर्न जरूर भरनी है, जिसको अगर आप नहीं भरेंगे तो ₹100 पर डे के भाव से आपसे लेट फीस सरकार वसूलती है। ये है एनुअल रिटर्न ऑफ कंप्लाइंसेस, जिसे हम रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स कहते हैं। और एक आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, इसको आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन अपडेट करने हैं, जिसको ना करने पर मैंने देखा है नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में मैंने लाखों रुपए की लेट फाइलिंग फीस पे करवाते हुए दोनों ही इंस्टांस मैंने देखे हैं। तो हमें अपनी कंपनी में किसी प्रकार की कोई लेट फाइलिंग, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं चाहिए, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। अब एक तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, फिलहाल क्या हुआ है, अभी आपने अपनी कंपनी को जो बनाया है, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज बनाई जाती हैं ऑनलाइन, गूगल से, किसी भी मैं समझता हूं ऑनलाइन एग्रीगेटर से आप कंपनी बनवा लेते हैं। लेकिन नाउ द जर्नी हैज बिकम वेरी सीरियस। अब आपको एक बहुत ही बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कनेक्ट होना है। एक वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विल डिसाइड द रोड मैप ऑफ योर कंपनी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कंपनी की बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ जीता है, मैं समझता हूं। तो जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ
जिसे आप अपना ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हैं, उनका क्या अनुभव है, उनकी कितनी प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, आप जैसे और कितने क्लाइंट्स उनके पास हैं, उन्होंने किस साल में बिजनेस शुरू किया, उनकी मैं समझता हूं देयर आर सो मेनी अदर कंसिडरेशंस विच यू नीड टू सिट अक्रॉस द टेबल विद योर ऑडिटर्स एंड यू नीड टू डिसाइड आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको उनसे उनका कितना समय चाहिए, उनका रेमुनरेशन क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपकी कंपनी में आपके अलावा आपसे ज्यादा यदि कोई इंटरेस्टेड है इसकी ग्रोथ में, तो वो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ दिस ऑडिटर मस्ट बी सिलेक्टेड विद वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसर्च एंड विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्टर्स जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये फैसला आप हर रोज नहीं ले सकते। तो ओनली अ फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन हेल्प यू ग्रोइंग योर कंपनी। अगला पॉइंट, देखिए जो दिखता है वो बिकता है। आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, आपकी कंपनी का लैंडलाइन नंबर, आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर, ये सब दुनिया देख रही है आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहां है। मेरा बस चले, आई विल ऑलवेज रिकमेंड, आपकी आपने एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया है, अब इसके दो रास्ते हैं। अगर आपको एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बैंक अकाउंट खोलना है, तो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बैंक अकाउंट्स नहीं खोलने हैं, आप एक बेयर मिनिमम बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। बट द ब्रांच ऑफिस एड्रेस ऑफ योर बैंक इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या अगर टेस्ट के साथ काम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं जिस बैंक में आपके सबसे ज्यादा क्लाइंट्स के बैंक अकाउंट हैं, उदाहरण के लिए यदि आप जैपनीज सेगमेंट को डील करते हैं, तो जैपनीज कंपनीज जितनी भी इंडिया में हैं, इनका बैंक अकाउंट एक खास बैंक में होता है। आप भी अपने क्लाइंट्स के करीब आने के लिए उसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि हम इस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, हम किसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉरेन बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, टू कैरी एंड टू लीव एन इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक एट लार्ज। इसी प्रकार से रजिस्टर्ड ऑफिस की अपनी एक अहमियत है। देखिए कंपनी, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहां है, आजकल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को, नाउ इन द न्यू प्रोसेस, अब आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, फिजिकली वेरीफाई करने के लिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज थ्रू इट्स ऑथराइज्ड पर्सनल इसको विजिट भी कर सकता है, और वो दो लोगों का विटनेस लेके जाएगा कि साहब यहां आपकी कंपनी का एड्रेस है। तो चूज द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ योर कंपनी केयरफुली, इट शुड बी कैपेबल ऑफ, ये कोई एक ऐसा वैसा एड्रेस नहीं हो सकता है, इसका एक बहुत ही सुंदर एड्रेस होना चाहिए। अपनी कंपनी के बाहर आप अपना, अपने घर से भी यदि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस अपनी नई कंपनी चला रहे हैं, तो मेक श्योर आपके घर के बाहर भी, या अगर किसी कमर्शियल प्रीमाइसेस से एड्रेस से आप चला रहे हैं अगर कंपनी अपनी, तो मैं समझता हूं कि आपको एज पर द कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट अपनी कंपनी का नाम, उसका सिन नंबर, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स एक बड़ा सा बोर्ड बनवा के आपको लगाना है। इससे आपकी एक लीगल कंप्लायंस भी पूरी होगी और एक ब्रांड वैल्यू भी आपकी क्रिएट होगी। लास्ट पॉइंट, आपने कंपनी बनाते समय, अभी क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को डर इसी बात का है कि आपने कंपनी जो बनाई है केवल ऑनलाइन किसी एग्रीगेटर से ही बनाई है, तो प्लीज मेरी रिकमेंडेशन आपको यह है कि आप अपनी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को
कम से कम पहले 2-3 पेजों को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें कि आपकी कंपनी क्या कर सकती है, क्या इसमें उन सभी एक्टिविटीज को अकोमोडेट किया गया है, इंसर्ट किया गया है जिस विजन के साथ आपने कंपनी बनाई है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि कंपनी बनाते समय आप सोच रहे हैं आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकती, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में आप जा ही नहीं सकते, जबकि आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू कर दी। सो आपको अपनी कंपनी का मेमोरेंडम बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और इससे अपनी थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करना होगा। तो ये जितने भी मेरे पॉइंट्स थे ये मैंने अपने पिछले 20 साल के करियर में अपने क्लाइंट्स के साथ काम करके सीखे कि ये मोस्ट जनरल पॉइंट है जहां हमारे क्लाइंट्स को दिक्कतें आई। तो मैं समझता हूं इन छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप उन लोगों से पहले अपने सर्टेन ऑब्जेक्टिव तक जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, अगर आप खुद गलती करेंगे खुद सीखेंगे तो आपको पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे जरूर लिखें और मिलते हैं कुछ और बारीकियों को डिस्कस करने के लिए अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।